नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास 10, क्लास 12, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10, क्लास 12, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा स्टार्ट रहती है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आप हमारे विद्याकुल प्लेटफॉर्म के वीडियो चाहते हो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों, तो विद्याकुल प्लेटफॉर्म का लिंक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर के और ज्यादा हमारे वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बिना समय गवाए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 आर्ट साइड वालों के लिए आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स जितने भी लोग लिए हैं, जितने भी लोग आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, अच्छे से पूरा वीडियो देखते रहे। अगर इससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10th, क्लास 12th हर एक सब्जेक्ट की जमकर तैयारी हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। विनिमय प्रणालियां चैप्टर का नाम है हमारा, खंड का है विनिमय प्रणालियां, ठीक है। ये बुक है हमारी विद्या क्वेश्चन बैंक है इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र सब, ठीक है। तो चलते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ और बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का लाभ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का लाभ नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। तो वो होता है दोस्तों राशि पातन का भय। तो इसमें का वाला आंसर सही रहेगा, राशि पातन का भय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विनिमय की है, वो होती है वस्तुओं एवं सेवाओं का होना, और वो होती है वस्तुओं का ऐच्छिक हस्तांतरण, और वो होती है वैधानिक एवं पारस्परिक स्वीकृति। तो इसमें हम टिक किस पे लगाएंगे, इसमें हम टिक घा वाले पे लगाएंगे, इनमें से सभी, यानी कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हम टिक लगा देंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के चलते हैं, मुद्रा विनिमय क्या है। तो मुद्रा विनिमय ये है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, इसको सीधा लैंग्वेज में यही बोलते हैं। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, हम का वाले पे टिक लगाएंगे, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं से आदान प्रदान। नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है यहाँ पे अति लघोत्तरीय प्रश्न, जो आते हैं हमारे 2 नंबर के, ठीक है। तो सबसे पहला वाले इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति की 2 कठिनाइयां बताइए। देखिए कितना पूछा गया, 14 और 16 में। तो नंबर 1 हो गई हमारी दोहरे संयोग का अभाव, नंबर 2 मूल्य मापन में कठिनाई, ये हो गई हमारी 2 कठिनाइयां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, विनिमय क्या है, ठीक है, विनिमय क्या है। प्रो मार्शल के अनुसार 2 पक्षों के मध्य होने वाले धन के ऐच्छिक वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। यहां तक कि इसका आंसर आपको लिखना है, विद्या में एकदम देखो शॉर्ट तरीके से दिया गया है। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो विद्या क्वेश्चन बैंक ले लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 आवश्यक दशाएं लिखिए। सबसे पहला हो गया हमारा सीमित आवश्यकताएं, और दूसरा हो गया अविकसित अर्थव्यवस्था तथा पिछड़ा समाज। तो यहां तक कि आपको इसका उत्तर लिखना है। जितना भी मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा उसका पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक विनिमय के 2 लाभ बताइए। नंबर 1 लाभ है मूल्य का सर्वमान्य मापन, और नंबर 2 है हमारा मूल्य संचय की सुविधा। यहां तक कि आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ से लघुत्तरीय शुरू हो रहा है, तो लघुत्तरीय प्रश्न हमारा शुरू हो रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट है हमारा, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विनिमय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या वस्तु विनिमय तथा क्रय विक्रय में अंतर बताइए, या विनिमय के रूपों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे विनिमय के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 हो गया हमारा प्रत्यक्ष विनिमय या वस्तु विनिमय या अदल बदल प्रणाली, नंबर 2 हो गया परोक्ष विनिमय या क्रय विक्रय प्रणाली। यहां तक कि आपको इस प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो लघुत्तरी तक मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट वाले वीडियो में दीर्घोत्तरी बताऊंगा दोस्तों। तो ये था वीडियो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, आपको मैंने बहुविकल्पी बता दिया, आपको इसी वीडियो में अति लघु बता दिया, और आपको इस वीडियो में लघुत्तरी भी बता दिया, नेक्स्ट वाले वीडियो में दीर्घोत्तरी बता दूंगा। तो चैप्टर का नाम है हमारा विनिमय
विनिमय प्रणालियां। उम्मीद है आपको सब कुछ एक समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के डाउनलोड कर लो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब ना ओम ट्रिक्स, और वीडियो को शेयर कर देना क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ वालों को, जो भी क्लास टेंथ की और क्लास ट्वेल्थ की तैयारी करना चाहता है उनको बता देना कि चैनल पर ओम ट्रिक्स चैनल पर क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्व की तैयारी कर रही है चल रही है, और उनको सब्सक्राइब करने को भी बता देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।